पुणी क्षमा मागिबे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किछि दिन पूर्वरु महाराष्ट्र राजनीति रे छत्रपति शिवाजी को नेई राजनीति सरगरम होइतला। सिंधीदुर्ग जिला रे अगस्त 26 तारीख रे महाराजा शिवाजी को मूर्ति भांगिबा परठारु उष्म होइतला राजनीति। आउ छत्रपति शिवाजी महाराज को मूर्ति भांगिबा घटना रे राजनीति ताति बढ़िथिबा बेले शासक मेंट पई सृष्टि होइतला लज्जाजनक परिस्थिति। विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु विरोधी मिजाज देखि एकनाथ सिंधे नेतृत्वाधीन सरकार होइचैथिले छानिया। परे एही घटना को नेई क्षमा प्रार्थना करथिले मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे, उप मुख्यमंत्री थिबा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार मध्य क्षमा मागिथिले। एमितिकि परे एही घटना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी को मूर्ति भंगा घटना रे दुख प्रकाश करी क्षमा मागिथिले। आउ मोदी क्षमा मागिबा परे विरोधी उठाइथिले अनेक प्रश्न। एही घटना को मात्र किछि दिन बितिनी पुणी राजनीति होइछि पूरा सरगरम। विरोधी पुणी थरे दाबी करिछंती मोदी को मागिबा को पड़ी पारे क्षमा। सूचना अनुसार रद्द होइतिबा 3 कृषि आईन को पुणी थरे लागू करबा को नै मंगलवार बयान देथिले बीजेपी सांसद कंगना राणावत। तांकर एही बयान सामना को आसीबा परे राजनीतिक बयानबाजी आरंभ होइथिला। चारि आडू तांकु टार्गेट करा जाइथिला। कृषक आंदोलन संपर्क रे कंगना राणावत देथिबा विवृति उपरे उलोटा प्रश्न करिछंती कांग्रेस सांसद तथा लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी। से प्रश्न करिछंती जे सरकारक नीति किए निष्पत्ति नेउछि, जणे बीजेपी सांसद ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी उपरे अभियोग लगाई राहुल कहिछंती 700 रु अधिक कृषक विशेषकर हरियाणा एवं पंजाबरु अधिक लोके शहीद हेबा परे मध्य बीजेपी मन भरी नाही। किंतु इंडिया गठबंधन कृषकों विरोध में कौनसी षड्यंत्र को सफल होगा देवना। जदि कौन चाषी को क्षति पहुंचा जाए तेरे मोदीजी को क्षमा मागिबा को पड़िबो बोली एबे कहते राहुल। ब्यूरो रिपोर्ट, निर्भय सूचना। अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना, निर्भय सब आपण।